नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है जी, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. दिस इज चैप्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. दिस इज चैप्टर नंबर 4 इन बुक ऑफ FSC 1. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है, इसकी इंपॉर्टेंस इज हाई टू वेरी हाई. यानी ये जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसकी अगर नॉर्मल भी क्वेश्चंस आए तो वो हाई इंपॉर्टेंस के होते हैं, और अगर ज्यादा क्वेश्चंस आए तो ये वेरी हाई इंपॉर्टेंस के क्वेश्चन बन जाते हैं एंट्री टेस्ट में. तो इस चैप्टर को आप लाइटली नहीं ले सकते. अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप पूरे चैप्टर को जो है वो बुक से रीड करें, टेक्स्ट बुक से रीड करें, फॉर्मूला शीट बनाएं और पॉइंट्स को जो है वो नोट करें. अब हम आते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन कौन कौन, किस टाइप के क्वेश्चन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें आ जाते हैं. तो इसमें हमारे पास बुनियादी तौर पर 3-4 टाइप्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स जो है वो फाइंड करनी है. हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी और हमने उसके रूट्स जो है वो फाइंड करनी है. उसके बाद एक सिनेरियो ये है कि हमने इक्वेशन जो है वो हमें गिवन होगा प्रोडक्ट एंड सम ऑफ रूट्स, और हमने उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी होगी. ये दूसरी टाइप के क्वेश्चन है. तीसरी टाइप के हैं जिसमें हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो हमें फाइंड करने के लिए मिल सकता है, कि हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की फॉर्म में कोई चीज गिवन है, कोई हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और हमें कहा जाएगा कि जी इसको कंप्यूट करें. तो यहां पर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की जो प्रॉपर्टीज हमें पता है हमने उनको यूज करना है. इसके अलावा आपको एक इक्वेशन जो है वो गिवन हो सकती है, और आपको ये भी कहा जा सकता है कि इसकी रूट्स जो है इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है ये आप बताएं. तो यहां पर छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, छोटी छोटी ट्रिप्स हैं कि आपने बाज दफा इक्वेशन को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि इसके रूट्स किस किस्म के हैं, अगर आपको उनकी प्रॉपर्टीज का पता है. कई दफा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को देख के आपको पता चल जाएगा कि इसके रूट्स किस किस्म के हैं, कहां पे प्लॉट हो सकते हैं. तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है जो कभी हम देखेंगे, ये आपको जहन में होनी चाहिए. बाकी इसमें प्रैक्टिस है. यू सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, डिफरेंट किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप सॉल्व करें, रूट्स निकालें, चेक करें, देखें कि आप कहां पे लैग कर रहे हैं, कहां पे आपको जो है वो आपका स्ट्रांग पॉइंट है. ये चीजें आपको क्लियरली पता होनी चाहिए. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमारे पास गिवन है, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है जो हमें नोन है, इसमें ये वाला जो पार्ट है b² - 4ac अंडर द रूट, ये वाला जो पार्ट है इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है. हम खाली b² - 4ac की वैल्यू को देख के हम जो है वो रूट्स के बारे में बहुत सी चीजें बता सकते हैं. इसमें बेसिकली हमारे पास 4 केसेस हैं, जिसमें हमारे पास पहला केस है कि जिसमें हमारे पास b² - 4ac की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0. जब ग्रेटर देन 0 होगी तो वहां पे हमारे पास 2 केसेस हैं. फर्स्ट केस है जिसमें हमारे पास b² - 4ac जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर अगर हो, और दूसरा केस है कि जहां b² - 4ac इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. जब b² - 4ac परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हमारे पास जो रूट्स होंगी दे विल बी रियल, रैशनल एंड अनइक्वल. जैसे कि ग्राफ के ऊपर आप ये देख सकते हैं कि ये 1 और 3 जो है ये रूट्स हैं ऑफ द पैराबोला. जैसे कि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पैराबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, तो हमें ये चीज समझ में आ गई कि ये पैराबोला के ऊपर जो है अगर वो परफेक्ट स्क्वेयर हो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है, तो हमारे पास 2 जो है वो रूट्स आएंगी विच विल बी रैशनल एंड अनइक्वल. अब अगर हमारे पास वो परफेक्ट स्क्वेयर अगर बन जाए तो वो रूट्स जो हैं वो इरेशनल होंगी, वो रैशनल नहीं होंगी. अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो हमेशा इरेशनल जो है वो आपको सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा. जैसे कि आप यहां पे जो है वो देख सकते हैं कि ये जो है -√3 एंड +√3 जो है ये आपके पास ये इरेशनल जो है ये वैल्यूज हैं. इसी तरह अगर हमारे पास b² - 4ac जो है ये 0 के इक्विवेलेंट आ जाए तो हमारे पास जो है वो एक रियल सॉल्यूशन होगा. बेसिकली रूट्स 2 ही होंगी लेकिन वो सेम वैल्यू की होंगी. इनको रिपीटेड रूट्स भी कहा जाता है, इसलिए ये वैल्यू जो है ये इनकी जो है ये आपस में बराबर होती है. और तीसरा केस जो कि हमारे पास बनता है कि जिसमें हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, तो वहां पे हम रियल से हम कॉम्प्लेक्स की तरफ चले जाएंगे और हमारे पास इमेजिनरी सॉल्यूशन आएगा, और अगेन जो रूट्स हैं वो अनइक्वल और डिस्टिंक्ट होंगी. ये जो एक्सेस है ये रियल और इमेजिनरी एक्सेस को ये वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रही है. तो ये जस्ट डिस्क्रिमिनेंट को देख के आपको इमीजिएटली जो है वो रूट्स के बारे में आइडिया हो जाना चाहिए कि 3 केस हैं, जब वो पॉजिटिव वैल्यू हो, जब वो 0 वैल्यू हो और जब वो नेगेटिव वैल्यू हो.
पॉजिटिव वैल्यू होगी तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इन सारे सिनेरियोज में आपको जिस तरह एक टेबल में जो है ये बताया गया है, ये आपको रूट्स का बड़ा क्लियरली जो है वो पता चल जाना चाहिए। अब इसमें हम ये देखते हैं कि पैराबोला जो है, जैसे हमने पहले जो है ये फंक्शंस एंड लिमिट्स में थोड़ा सा इसको टच किया था कि पैराबोला जो है वो कनकेव अप होगा या कनकेव डाउन होगा, और अगर कनकेव अप या कनकेव डाउन होगा तो उसका जो वर्टेक्स है वो किस पॉइंट पे होगा, ये चीज ऑलरेडी जो है हम देख चुके हैं, लेकिन एक दफा हम इसको दोबारा जो है वो रिविजिट कर लेते हैं। हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ए अगर लेस देन जीरो है तो हमारा जो पैराबोला है वो कनकेव डाउन होगा, यानी उसकी ये वाली शेप होगी, और ये जो पॉइंट है जो वर्टेक्स पॉइंट है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगा। और अगर हमारे पास पैराबोला में ए इस इक्वेशन में ए इज ग्रेटर देन जीरो है तो इट विल बी कनकेव अप, और ये जो पॉइंट है ये हमारी मिनिमम वैल्यू होगी, और इसको हमने इसका एक्स एक्सिस का जो एक्स कोऑर्डिनेट जो है इस पॉइंट का जो वर्टेक्स पॉइंट का वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर टू ए, ये हमें एक्स वैल्यू दे देगा, और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स में, तो हमारे पास वाई वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स वर्टेक्स के जो है वो हम जस्ट क्वाड्रेटिक फंक्शन को देख के और इस रिलेशन को यूज करके जो है वो हम जो है वो बता सकते हैं। इससे रिलेटेड भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ अ पैराबोला जो है ये आपसे एंट्री टेस्ट के एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। जैसा कि हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट को देखकर आप रूट्स के बारे में बहुत सी बातें बता सकते हैं, इसमें कुछ ट्रिक्स ऐसी हैं जो कि आप जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर भी आप उसकी रूट्स के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप अगर लेंगे अप्लाई करेंगे आपको टाइम लगेगा, क्वेश्चन जो है वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इसलिए कुछ ट्रिक्स ऐसी हैं कि जो कि जस्ट आप इक्वेशन को देखकर भी जो एमसीक्यू की चार ऑप्शन है उसमें बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल जीरो, तो एक जो रूट है वो इक्वल टू वन होगी, ये ऑलवेज इक्वल टू वन होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस टू, अब इसमें माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो आपको इमीडिएटली आप ये देख सकते हैं कि ऐसी ऑप्शन के जिसमें एक रूट वन है तो वो आपका आंसर होगा, या आप उसको उन दो एक से ज्यादा अगर इस तरह की ऑप्शन है तो आप उसको फर्दर नैरो डाउन कर सकते हैं। सिमिलरली इफ ए एंड सी आर ऑफ ऑपोजिट साइंस then roots will be of opposite signs, जैसे माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस टू, अब इसमें a और c का साइन जो है ये ऑपोजिट है तो आपको फौरन पता चल गया कि जो आपका रूट्स होंगी वो ऑपोजिट साइन वाली होंगी, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास b इज इक्वल टू जीरो तो रूट्स विल बी एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी इसमें अगर जैसे ये एग्जाम्पल है तो इसकी जब हम रूट्स लेंगे तो वो जो रूट्स होंगी वो आपस में एडिटिव इनवर्स होंगी। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि जब हम उनको आपस में एड करते हैं तो हमारे पास जो है वो आंसर जीरो आ जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम इफ ए इज इक्वल टू सी, यानी ए और सी की वैल्यू जो है वो अगर इक्वल होंगी तो रूट्स विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन, इसमें रूट जो है वो जो निकलेंगी वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होंगी। और अगर ए प्लस बी आयोटा इज वन रूट देन ए माइनस बी आयोटा विल बी दी अदर रूट, ये हमेशा जो है ये कॉन्जुगेट जो है ये पेयर्स में जो है ये रूट्स आती है। तो ये एक कुछ ट्रिप्स हैं कि जिसपे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है कि आप पहले इसका माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, जस्ट बाय लुकिंग एट द इक्वेशन और इनमें से कोई अगर ये चीज आपको जो है वो क्लिक कर रही है तो आप इमीडिएटली उसकी रूट को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी ये क्वेश्चन आप लेस देन 10 सेकंड्स में आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप पूरा फॉर्मूला लगाएंगे कैलकुलेट करेंगे और उस तक पहुंचेंगे। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप डिस्क्रिमिनेंट के बाद जैसे ये पॉइंट्स मैंने दिए हैं इनको अगर आप यूज जहन में रखें और इनको बार बार प्रैक्टिस करें तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी हमने जो है ये रूट तक हमने कैसे पहुंचना है। इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपको रूट्स जो हैं वो गिवन हो या रूट्स का सम और प्रोडक्ट जो है वो आपको गिवन हो और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी पड़ जाए, तो उसमें हमारे पास ये वाली जो रिलेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, विच इज ए ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स
इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू जीरो। यानी अगर हमें सम ऑफ द रूट्स का पता है और अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का पता है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म जो है वो हम निकाल सकते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमें बताया गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -14 एंड देयर सम इज -3। तो अगर हम इसको इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें जहां पे सम ऑफ द रूट्स है वहां हमने लिखा -3, जहां प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वहां हमने लिखा -14। तो हमारे पास जो फॉर्म आ गई वो है ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x -14 इज इक्वल टू जीरो। और अगर हमारे पास ए वन हो तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। अब हमारे पास जो चार ऑप्शंस होंगी हमने ए के हिसाब से डिसाइड करना होगा कि ये कौन से वाली जो है ये इक्वेशन है। तो वो बड़े इजीली जो है वो आप विजुअली भी आप देख सकते हैं, आपको लंबी चौड़ी कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये जहन में रखें कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें आप दो या दो लाइनों से ज्यादा की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप वो क्वेश्चन गलत तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कोई एक ऐसी चीज है जो आप मिस कर रहे हैं, क्योंकि एंट्री टेस्ट के किसी क्वेश्चन में भी तीन लाइनों से ज्यादा का सोल्यूशन नहीं होता, यानी उसमें तीन लाइनों से ज्यादा की कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप उस क्वेश्चन को किसी ऐसे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं कि जिसमें आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत लंबी कैलकुलेशन बन रही है, तो हो सकता है आप आंसर तक तो पहुंच जाए लेकिन आपको ज्यादा टाइम लगे, यानी उस क्वेश्चन का कोई ना कोई शॉर्टकट जो है वो एग्जिस्ट करता है और आप वो मिस कर गए हैं। ये इस बात की पक्की दलील होती है कि आपने उस क्वेश्चन को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया, क्योंकि एंट्री टेस्ट के हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास अराउंड 54-55 सेकंड्स होते हैं, क्योंकि यू हैव टू सॉल्व 200 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स। तो कोई भी क्वेश्चन जिसकी लेंथी कैलकुलेशंस हो रही है इसका मतलब यह है कि आपने उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड जो है वो या तो ठीक नहीं किया, या अगर आपने उसको अंडरस्टैंड ठीक कर भी लिया तो आप उसको उस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं जो कि एक लंबा मेथड है, और इसका एक शॉर्टकट बेस्ड मेथड जो है वो ऑलरेडी इस क्वेश्चन के अंदर एग्जिस्ट करता था जिसको आपने मिस आउट कर दिया है। तो बात यह है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और आपने उस क्वेश्चन को उस तरीके से करने की ट्रिक को जो है वो बीच में से पकड़ना है कि जो कि ऑलरेडी उस क्वेश्चन के अंदर एग्जिस्ट करती है। इसी तरह हमारे पास एक टॉपिक है क्यूब रूट्स का, इसके ऊपर कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो कि आपको जिनका आपको पता होना चाहिए। क्यूब रूट का जो जेनेरिक फार्मूला है वो ये है कि क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर से एन विल बी एन वन ओवर एन रेज़ टू पावर 1/3 इज इक्वल टू एम एम ओमेगा एन एम ओमेगा स्क्वायर। तो ये फार्मूला जो है, ये जो फार्मूला है, ये जो रिलेशनशिप है, ये बेसिकली क्यूब रूट की बेसिक रिलेशनशिप है। और उसके बाद दो प्रॉपर्टीज हैं क्यूब रूट की कि सम ऑफ एनी क्यूब रूट्स इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो एंड द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ एन इज ऑलवेज इक्वल टू एन। यानी आप उसकी क्यूब रूट को की जो को जब आप प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास जो नंबर है वो ओरिजिनल नंबर जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो ये क्यूब रूट से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। इसी तरह अगर आपके पास अगर एक इफ यू हैव टू सॉल्व एनी पावर ऑफ ओमेगा, देन आपने कोई भी गिवन जो पावर है उसको आपने डिवाइड बाय 3 करना है, तो आप जो है ना वो ओमेगा ओमेगा क्यूब और 1 की फॉर्म में जो है वो उसको लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ओमेगा रेज़ टू पावर 56 को अगर हम डिवाइड करें 3 से तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास ओमेगा स्क्वायर जो है वो हमारा आंसर है। तो ओमेगा भी हो सकता है अगर रिमाइंडर 1 हो, और 1 भी हो सकता है हमारे पास। तो ये हमने जो है ना ये ट्रिक जो है ये हमने यूज करनी है। इसी तरह फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, इनके भी रिलेशनशिप जो है वो गिवन है इस फॉर्मूले से। ये रिलेशनशिप जो है ये किसी भी नंबर का जो फोर्थ रूट है उसके लिए वैलिड है। इसी तरह सम ऑफ एनी फोर्थ रूट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ एन इज -n। तो ये रिलेशनशिप्स फोर्थ रूट से रिलेटेड भी ये आपको पता होनी चाहिए।